Hello friends, welcome back to the channel, and today we are going to discuss our topic that is quick take on Kashmir issue. Well, while deciding this particular topic, there were queries that we want a revision session on the Kashmir issue also with a historical perspective. So we are here with this particular lecture so that you can revise and you can know actuality that why this Kashmir issue is still persisting with India and between India and Pakistan, why the continuous tussles are there, why India is claiming that Kashmir is owned by it, whereas Pakistan is claiming it different. So we should know the historical perspective regarding this. So without any delay, let's start with this. तो 565 रियासतों में काफी रियासतें ऐसी थी जो कि कुछ इंडिया के साथ शामिल हुई, कुछ पाकिस्तान के साथ शामिल हुई. उनमें से कुछ रियासतें ऐसी थी जो कि इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी, उनमें जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, ये सारी रियासतें शामिल थी. ठीक है, तो बाकी सब रियासतों के केस के बारे में भी हम पढ़ेंगे, क्विक टेक लेंगे, लेकिन आज हमारा जो एस्पेक्ट है कश्मीर. कश्मीर में ऐसा क्या हुआ कि पहले जिन्होंने ये कहा कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम किसी के साथ शामिल नहीं होंगे, हम किसी के साथ विलय नहीं करेंगे, वो आखिरकार क्यों इंडिया में शामिल होने के लिए उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किया, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. ठीक है, सो उन्हीं में से जितने भी इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, उसमें से एक आपका जम्मू एंड कश्मीर या कश्मीर था, जिसको कि रूल करते थे राजा हरि सिंह. ठीक है, राजा हरि सिंह इसे रूल करते थे और हरि सिंह ने डिक्लेयर किया कि वी वांट टू बी इंडिपेंडेंट, वी डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान. हम इंडिया या पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते, हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते. डेट वॉज 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह, जो राजा है जम्मू कश्मीर के, वो क्या करते हैं, वो आईओए पर साइन कर देते हैं. आईओए क्या है? आईओए इज योर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जो कि एक दस्तावेज होता था जिसके तहत ये डिसाइड होता था कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं. जो भी एक रियासत थी उसके राजा द्वारा ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया जाता था, पैक्ट साइन किया जाता था, जिसमें कि वो पैरामाउंट सी के लैप्स होने के बाद ये डिसाइड करते थे कि हम इंडिया के पार्ट हैं या पाकिस्तान के पार्ट हैं. ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ 26 अक्टूबर 1947 को आईओए पर साइन होता है. लेकिन ये क्यों हुआ? जो राजा अभी तक कह रहा था कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, ऑल ऑफ द सडन उसने क्यों ये कहना शुरू कर दिया कि हम आईओए पर साइन करेंगे, और वो आईओए पर साइन करने को इस डेट पे एग्री हो गए. इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा. 22 अक्टूबर 1947 से स्टोरी शुरू होती, जब ऑल ऑफ द सडन कश्मीर पर कुछ कबायली अटैक कर देते. कबायली एक दल था जो कि कश्मीर की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था उस समय पे, तो वो उस पर कश्मीर पर अटैक कर देते हैं. कश्मीर पर अटैक करते हुए वो लोगों को इतना लूटपाट करते, इतना मारते हैं कि वो उनके सामने सिर्फ ये रास्ता छोड़ते हैं कि या तो वो उन कबायलियों का साथ दें और या तो अपनी जान से हाथ धो बैठे. ऐसे में कई लोग शहीद भी हो जाते हैं और कई लोग जो है उनके साथ ज्वाइन कर लेते हैं. तो इससे कबायलियों का हौसला बढ़ता है. कबायलियों का हौसला बढ़ा कि ठीक है, हम जो चाहते हैं वो कर रहे हैं और कोई भी हमें रोकने वाला नहीं, या तो लोग हमारे साथ होंगे या तो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे. इससे कबायली और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं और वो कश्मीर के अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं. अब वो स्टार्टिंग कर देते हैं टेरिटरी को ऑक्यूपाई करना. करते 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 वो 160 किलोमीटर दूरी पे, 160 किलोमीटर दूरी पे एक जगह है मुजफ्फराबाद, वहां पर आ जाते हैं. अब यहां से देखिए, 160 किलोमीटर मुजफ्फराबाद में जब वो आ जाते हैं, तो यहां से 54 किलोमीटर दूरी कश्मीर से 160 किलोमीटर की दूरी पे था मुजफ्फराबाद, वहां पर आ गए. और कश्मीर से 54 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है जिसका नाम है बारामुल्ला. ठीक है, बारामुल्ला, यानी कि मुजफ्फराबाद से बारामुल्ला तक ये कबायली एंटर होते चले आते हैं, लूटपाट करते हुए, बराबर लूटपाट करते हुए चले आते हैं. और यहां जब 54 किलोमीटर की दूरी पर आकर के, कश्मीर से 54 किलोमीटर की दूरी पर बारामुल्ला पे होते, तो यहां पर भी वो खूब लूटपाट करते हैं, खूब लूटपाट करते हैं, लोगों को शामिल करते हैं, मारते हैं, अपना एक वर्चस्व बनाने की कोशिश करते हैं. और बारामुल्ला से थोड़ी दूरी पर ही एक जगह है डोमेल नाम की. तो डोमेल और उरी, जो कि कश्मीर का मेन पार्ट हो जाता था, उरी, डोमेल और उरी को ज्वाइन करने के लिए एक ब्रिज था.
जब वहां पर उस समय जो तत्काल तैनात सेना अध्यक्ष थे राजेंद्र सिंह, उन्हें पता चलता है कि कबायली 54 किलोमीटर दूरी पर बारामुल्ला के पास आ चुके हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उस पुल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उस पुल को डिस्ट्रॉय करने के प्रोसेस में उनकी जान भी जाती है, वो वीरगति को प्राप्त होते हैं, शहीद भी हो जाते हैं, लेकिन वो उस पुल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिससे कि कोई भी कबायली उरी ना आ सके। जब ब्रिज वो एकमात्र ब्रिज था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया कि कोई भी उरी तक ना आ सके। ठीक है, ये कहानी होती है 22 अक्टूबर से 1947 तक। इधर दो दिन बाद जब 48 घंटे तक ये प्रोसेस चलता रहता है, तो 24 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह को ये बात पता चलती है। हरि सिंह क्या करते हैं, हरि सिंह इस दिन जो है बात करते हैं उस समय के पीएम सेक्रेटरी वीपी मेनन से। वीपी मेनन से बोलते हैं कि हमें मदद चाहिए, हमें आप कबायलियों से बचाइए और आप जैसा कहेंगे हम वैसा करने को तैयार हैं। वीपी मेनन उस समय कश्मीर के जो मिनिस्टर अपॉइंटेड थे, वीपी मेनन तो खुद सेक्रेटरी थे, लेकिन उस समय जो मिनिस्टर अपॉइंटेड थे ब्रिगेडियर मेहरचंद महाजन, मिस्टर महाजन, ब्रिगेडियर महाजन से वो मिलते हैं और उन्हें इस बारे में बताते हैं। महाजन क्या करते हैं, महाजन लॉर्ड माउंटबेटन के साथ मिल करके ये बात सुनिश्चित करते हैं कि ऐसा ऐसा हरि सिंह का कहना है, हरि सिंह का ऐसा ऐसा कहना है कि हमें मदद चाहिए, आप हमारी मदद करिए वरना हम लोग जो है बच नहीं पाएंगे कबाइलों से। उस पर लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड ध्यान से सुनिए, लॉर्ड माउंटबेटन महाजन को यह सलाह देते हैं कि आप वीपी मेनन के थ्रू ही हरि सिंह से यह कहलाइए। फिर से सुनिए, कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। लॉर्ड माउंटबेटन महाजन के थ्रू ये कहते हैं, महाजन से ये कहते हैं कि आप वीपी मेनन से कहिए कि वो हरि सिंह से कह दें कि जब तक आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आईओए पर साइन नहीं करेंगे तब तक हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। सेम प्रोसेस होता भी है, वीपी मेनन हरि सिंह को ये बात बता देते हैं कि आप आईओए पर साइन नहीं करेंगे तो कुछ भी हम लोग नहीं कर सकते। हरि सिंह बोलते हैं कि ठीक है, हम आपकी बात मान लेंगे, तो यार हम आईओए पर साइन कर देंगे लेकिन अभी हमें बचाइए किसी तरीके से। ऐसी स्टोरी भी कही जाती है कि उन्होंने अपने मिनिस्टर से कहा भी, जो उनके दरबान होते थे या कह सकते हैं उनके सबसे क्लोजेस्ट सेक्रेटरी थे, उनसे उन्होंने कहा भी कि अगर कल तक अगर इंडियन एयरफोर्स या इंडियन फौजी ना सुनाई दे, इंडियन फौजी ना आ जाए, अगर उनकी कोलाहल ना सुनाई दे तो आप मुझे नींद में गोली मार दीजिए। इतना वो उस चीज से डर चुके थे, कबाइलियों से वो इतना डर गए थे। सो ये होता है, उन्होंने ओरली बोला कि हम आईओए पे साइन कर देंगे, आप प्लीज कर दीजिए ऐसा। इससे पहले इन सब प्रोसेस के पहले भी 27 सितंबर को, 27 सितंबर 1947 को ये बात किसी तरीके से जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल को इंटीमेट कर चुके होते थे कि कश्मीर की फौजें जो हैं धीरे धीरे पाकिस्तान की फौजें धीरे धीरे कश्मीर पर अपना टेरिटरी पर हक जताने की कोशिश कर रही हैं, तो आप थोड़ा सा इसको संज्ञान में लीजिए, कोई सख्त कार्रवाई कीजिए। हालांकि वो पाकिस्तानी फौजें ना होकर के वो कबायली थे, वो एक दल था कबायली नाम का, वही लोग थे, पाकिस्तानी फौजों का सीन लेटर ऑन है, तो कबायली थे, लेकिन नेहरू ये बात पहले इंटीमेट पटेल को कर चुके थे। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो अब यहां पे थोड़ा सा एक स्टोरी मैं आपको और ऐड करना चाहता हूं इसी रिवीजन पार्ट में। जवाहरलाल नेहरू इस फेवर में थे कि हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर लें जिससे कि वो भारत को ये बता सकें कि एक ऐसा रियासत जो कि पूरी तरह से मुस्लिम थी, एक हिंदू लीडर के द्वारा थी, वो भी हमारे साथ आने को तैयार है। दिस मीन्स वो हमारे साथ जुड़ने के लिए एग्री हैं और हम इसका मतलब एक कलेक्टिव, हम एक कलेक्टिव यूनाइटेड सोच पर काम करते हैं। ठीक है, जबकि जिन्ना का ये कहना था कि अगर वो एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है तो वो, और उसकी बाउंड्री अगर कश्मीर की बाउंड्री अगर पाकिस्तान से जुड़ती तो उसे पाकिस्तान को शामिल करना चाहिए, पाकिस्तान भी उसे दे देना चाहिए क्योंकि वहां के लोग मुस्लिम बाहुल्य हैं और हम एक इस्लामिक कंट्री वैसे ही बनाने लें तो उन्हें वहां पर जाने का पूरा मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज थी। तो जवाहरलाल नेहरू इस फेवर में थे कि हम किसी तरीके से कश्मीर को अपने में शामिल कर सके और वहां पर मैं जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा का पूरा दे दूं शेख अब्दुल्ला को। अब शेख अब्दुल्ला कौन थे, शेख अब्दुल्ला एएमयू से उस समय एमएससी पढ़े हुए थे, हरि सिंह के विरोधी भी थे क्योंकि हरि सिंह की पॉलिसीज उन्हें नहीं समझ आती थी, वो एएमयू से पढ़ के आए थे और उस समय पे एएमयू से मास्टर्स डिग्री लेकर आना बहुत बड़ी बात होती थी। वो जब वहां पहुंचे तो कश्मीर में उन्हें कोई गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिली, उनके पसंद की नौकरियां नहीं मिली, तो इन सब चीजों से झुल्ला करके उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट करना या ज्वाइन करना शुरू किया और वो नेहरू के हमेशा से करीब ही रहे। उनके पोते उमर अब्दुल्ला आप जानते हैं कि अभी कुछ सालों पहले मिनिस्टर भी रहे कश्मीर के। ठीक
ठीक है, सीएम भी रहे, तो शेख अब्दुल्ला उनकी फर्स्ट चॉइस थे, जवाहरलाल नेहरू की फर्स्ट चॉइस शेख अब्दुल्ला थे। उसका दो रीजन था, एक तो वो उनके करीबी थे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू ये बताना चाहते थे कि देखिए एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के लिए मैंने एक मुस्लिम लीडर को ही अपॉइंट किया है। तो शेख अब्दुल्ला की जो मुस्लिम एक छवि थी, जो एक मुस्लिम कास्ट थी उनकी, वो उस फैक्टर को बनाना चाहते थे लोगों में एक इंक्लूसिव पॉलिसी लाने के लिए। ठीक है, तो ये तो खैर एक अलग फैक्टर था, तो ये होता रहा। और आखिरकार जो डेट मैंने आपको बताया उस डेट पे, यानी कि 26 अक्टूबर 1947 को आईओए पर हरि सिंह साइन कर देते हैं। हरि सिंह जब आईओए पर साइन कर देते हैं तो ये सब युद्ध चलते रहते हैं, छुटपुट लड़ाइयां चलती रहती, कब आईली, कभी लड़ाई लड़ते रहते हैं, कभी इंडियन आर्मी से उनके टसल्स होते रहते हैं। इस प्रोसेस के दौरान जिन्ना की एक सोच आती है कि वाई डोंट वी पुट इट इन एंड इन अ सिंगल स्ट्रोक, हम इसे एक बार में क्यों नहीं खत्म करते, एक बार में खत्म करते। तो वो क्या करते हैं, वो पाकिस्तान के उस समय के जनरल जो थे ग्रेसी, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि क्यों ना हम अपनी फौजें जो हैं कश्मीर में भेजें और कश्मीर को ऑक्यूपाई कर लें। वहां पे जनरल ग्रेसी का रोल ये होता है कि जनरल ग्रेसी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जब कश्मीर के राजा हरि सिंह आईओए पर साइन कर चुके हैं, यानी कि वो भारत में विलय के लिए तैयार हैं, ऐसे में ऑफिशियली तौर पर हम पाकिस्तान की फौज को वहां पर नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की फौज को वहां पर भेजेंगे तो ये एक अलग इशू क्रिएट होगा और हम ऐसा कोई भी सीन नहीं क्रिएट करना चाहते हैं। इस बात से जिन्ना को थोड़ा ठेस भी पहुंचती है। तो जिन्ना क्या करते हैं, जिन्ना सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन को अपने यहां इनवाइट करते हैं कि हम इस पर चर्चा करते हैं। इसका सरदार पटेल बहुत विरोध करते हैं कि नहीं, हम नहीं जा सकते, जब तक वो अपनी फौजें नहीं हटाएंगे हम बिल्कुल नहीं जा सकते। कोई नहीं जाता है। आखिरकार लॉर्ड माउंटबेटन 1 नवंबर 1947 को वहां जाना डिसाइड करते हैं और जाते हैं। 1 नवंबर को जब वो वहां जाते हैं तो उनसे सबसे पहली बात जो होती है जिन्ना की उनसे, वो होती है इसी के एस्पेक्ट को लेकर, कश्मीर एस्पेक्ट को लेकर, जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन जिन्ना को ये मनाते हैं कि आप अपनी फौजें जो भी कबायली लोग हैं उन सबको समझा बुझा के किसी तरीके से वहां से बुला लीजिए, एक पीसफुल एनवायरनमेंट बन सके, और कश्मीर क्योंकि इंडिया में इन्वॉल्व होना चाहता है तो लेट इट गेट इन्वॉल्व इन इंडिया। और जिन्ना भी इस पर एग्री कर जाते हैं। इस चीज की ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए, इस चीज की ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए 2 नवंबर की डेट इस चीज के, ये बात जब हो जाती है तो जिन्ना इसको कहते हैं कि ठीक है इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हम लोग करेंगे, इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हम लोग जो है 31 दिसंबर के करीब कर देंगे, एंड होने पे, ईयर एंड होने पे 31 दिसंबर 1947 को हम लोग इस चीज की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देंगे, आपका जो 2 महीने का दौरा है उसमें आप आराम से रहिए, और मैं आपको जेंटलमैन प्रॉमिस करता हूँ कि 31 दिसंबर 1947 को हम ये अनाउंस कर देंगे कि हमारी सारी लोग वापस आ जाए और कश्मीर से हमें कोई लेना देना नहीं। जैस 1 नवंबर को ये बात फाइनल होती है, इतनी बात होती है 2 नवंबर 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू AIR पर, ऑल इंडिया रेडियो पर ये अनाउंस करते हैं कि हम कश्मीर के इशू को लेकर के UNO में जा रहे हैं, और UNO में हम इसका प्रस्ताव दे चुके हैं कि भाई हम जो है कश्मीर इशू को वहां पर रेज करेंगे। इस बात से खिन्न होकर के जिन्ना कहते हैं कि चलिए मैं तो इस बात पर मानने को तैयार था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस इशू को UNO में एड्रेस किया, तो उससे उन्हें लगता है कि इससे पाकिस्तान की छवि को बहुत नुकसान होगा। तो छुटपुट वार फिर से वही चलते रहते हैं, चलते रहते हैं 2 साल तक, कभी मेरी बात नहीं मानी गई, कभी मेरी बात नहीं मानी गई, इसी तर्ज पे बातें चलती रहती हैं। और यही पूरा एक एस्पेक्ट होता है छुटपुट लड़ाइयों का, जो कि छुटपुट लड़ाइयां होती रहती हैं, जिससे कि एक जो माहौल बन सकता था, जो कि पूरा सॉर्ट आउट होने के करीब था, वो फिर से बिगड़ गया। फाइनली पहला सीज फायर अनाउंस किया जाता है 1 जनवरी 1950 को। पहला सीज फायर 1 जनवरी 1950 को अनाउंस किया जाता है, और इस सीज फायर के समय ये डिसाइड होता है कि जिसकी फौजें जहां पर हैं वो एरिया उसकी हो जाती है। ये म्यूचुअल एग्रीमेंट डिसाइड होता है कि जिसकी फौजें जहां पर हैं वो उसकी एरिया है, अब कोई किसी से हस्तक्षेप नहीं करेगा। और यहीं पर टर्म कॉइन होता है LOC। क्यों? क्योंकि जो लाइन ऑफ बाउंड्री की बनती है, जो लाइन डिसाइड की जाती है सीज फायर की, वही आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल बनती है। हालांकि इसका उल्लंघन कई बार हुआ गया, जब भी आप सुनते होंगे एक टर्म के सीज फायर का उल्लंघन हुआ, सीज फायर का उल्लंघन, सीज फायर का उल्लंघन क्या है कि LOC को क्रॉस करके इधर की फौजों का उधर, उधर की फौजों का इधर जाना, जिससे कि दोनों के बीच में तनाव पैदा हो। तो ये कंटिन्यूस टसल जो कश्मीर इशू को लेकर के इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, उसकी ये छोटी सी ब्रीफिंग थी, जो कि हम लोग पूरे लेक्चर में डिस्कस भी कर चुके थे, और ये क्विक टेक में आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि क्यों ये इतना इशू है।
तो ये एक तरीके से सारे इशू रिजॉल्व हो सकते थे इजिली, थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत थी, वो रिजॉल्व हो सकते थे, लेकिन शायद पंडित नेहरू का जल्दबाजी कर जाना, या शायद बहुत देर में उस चीज को जिन्ना द्वारा अनाउंस करना, या अननेसेसरी कबायलियों का वहां पर एंटर करना कि फोर्सफुली हम कश्मीर को ऑक्यूपाई करेंगे बिकॉज हरि सिंह कोई डिसीजन लेने में कैपेबल इनफ नहीं है, ये सारे फैक्टर कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल रहे कश्मीर के इशू को और हाइप देने पे, जिससे कि दो कंट्रीज जो कि एक जगह से ही निकली, एक स्रोत से ही निकली, उनके बीच में ये टसल्स पैदा हुए। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। यू पीपल एंजॉयड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। हैव अ ग्रेट टाइम ऑल ऑफ यू।